गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा सात के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा सात हिंदी, हिंदी का पाठ्यक्रम आप पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज पहला पाठ आपके सामने लेकर आए हुए हैं। पाठ का नाम है, बहुत ही प्यारी कविता है, आ रही रवि की सवारी। आपके पाठ का क्या नाम है, यानी प्रथम पाठ का क्या नाम है, आ रही रवि की सवारी। रब माने सूरज, हाँ। तो इसमें सूर्य के प्रातः काल आगमन के वर्णन किया गया है। तो पहले इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को समझाता हूँ। आ रही रब की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रब की सवारी, बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों के फौज सारी। आ रही रब की सवारी। अगली पंक्ति है, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बन कर भिखारी। आ रही रब की सवारी। आप लोगों ने समझा, अब आइए आ रही रब की सवारी इस कविता का भावार्थ समझाते हैं बच्चों। आ रही रब की सवारी यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल आसमान के मार्ग से होकर महान सूर्य की सवारी का आगमन हो चुका है। महान सूर्य की सवारी आ रही है, और महान सूरज की सवारी आने पर क्या क्या आपको दिखाई देगा, कौन कौन से दृश्य दिखाई दे रहे हैं। नौ किरण का रथ सजा है, हाँ, जो सूर्य देवता का रथ सजाया गया है, वह नई नई किरणों से, यानी नई नई किरणों से सूर्य के इस रथ को सुसज्जित किया गया है, यानी सजाया गया है। बात समझ में आई ना। पहले लाइन में मैंने समझाया, आ रही रब की सवारी, प्रातःकाल आकाश मार्ग से महान सूर्यदेव की सवारी का आगमन हो चुका है, यानी महान सूर्यदेव की सवारी आ रही है। नौ किरण का रथ सजा है, सूर्य देवता का जो रथ सजा हुआ है वो कैसे है, नई नई किरणों से उनके रथ को सजाया गया है, यानी नई नई किरणों से रथ सुसज्जित हुआ है। कलि कुसुम से पथ सजा है, कलियों और फूलों से, यानी सुंदर सुंदर फूलों से और कलियों से सूर्य के आने वाले मार्ग को सजाया गया है, यानी उस मार्ग को, जिस मार्ग से सूर्य देवता जी अपनी सवारी लेकर आ रहे हैं, उस मार्ग को फूलों और कलियों तथा सुंदर सुंदर फूलों कलियों से सजाया गया है। फिर क्या, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। यही नहीं, बादल रूपी सेवकों ने, सेवक होते हैं ना भाई, राजा महाराजा के सेवक होते हैं, अनुचर होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वही कह रहे हैं, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादल रूपी सेवक सुनहरे रंग का, यानी सुनहरे पोशाक को धारण किए हुए हैं, सुनहरे वस्त्र को धारण किए हुए हैं। बादल रूपी सेवक सुनहरे वस्त्र को धारण किए हुए हैं। फिर क्या, आ रही रब की सवारी, प्रातःकाल आकाश मार्ग से महान सूर्यदेव की सवारी का आगमन हो चुका है, या महान सूर्यदेव की सवारी आ रही है। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। कल के वीडियो में इस पाठ को हम समाप्त कर देंगे। आप लोग मन लगा के तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।